நீயா சுனையும் வாய்ப்பை பெறுவது உண்டு. அவருடைய எல்லை மாநிலத்திலே மாடல் ஸ்கூல் மாடல் கிளாஸ் ரூம்ஸ் என்ற ஒரு அற்புதமான திட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருப்பதை அறிந்து அதுபோல் தமிழ்நாட்டிலும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கருதி तमिलनाडु का मुख्यमंत्री आ स्टालन नाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खड़े आ नाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल खड़े आ। ये तुहानू मैं जिहड़ी वीडियो आ क्यों सुनाई है क्यों चलाई है क्यों दिखाई है कि स्टालन आ जिहड़ा वह अपनी तमिल भाषा च गल कर रहा। दूजे पासे पंजाब दे पंजाब दे मुख्यमंत्री दे अपने पेज ते पाई हुई वीडियो आ। दूजे पासे पंजाब दे मुख्यमंत्री ने 11 घंटे पहला अज भी ते कल भी कुछ चिट्ठियां जारी कीतियां ने। ये चिट्ठियां तुसी देख लो भी ध्यान दे नाल जे दिख जाण जे ये ते ना दिखण तां भगवंत सिंह मान जिहड़ा इहनां दा मुख्यमंत्री साहब दा पेज आ उह ते जाके खोल के देख लियो। ये सारियां चिट्ठियां ही अंग्रेजी च ने, थले दस्तखत भी अंग्रेजी च है, गल दफ्तर च पंजाबी लागू करन दी करदे आ पर उत्थे चिट्ठियां अंग्रेजी जारी करदे आ। 21 फरवरी का दिन मिथिया सी पंजाब सरकार ने 21 फरवरी का कि 21 फरवरी तक दुकाना दे बोर्डां दे उत्ते पंजाबी होनी चाहीदी आ ते नहीं कारवाई करांगे। मान साहब तुसी आप नहीं पंजाबी लागू कर सके हाले तक, अपने दस्तखत अंग्रेजी चा, तुहाड़ियां चिट्ठियां जारी हुंदियां सरकार दियां सारियां अंग्रेजी जारी हुंदियां ने, तुहाडे दफ्तरां नूं अंग्रेजी चलदी है पंजाबी नहीं लागू होई, तुहाडे कई दफ्तरां दे बोर्ड लगे ने। मैं राजपुरे अड्डे च खड़ा इक दिन सारे उत्ते अंग्रेजी लिखी हुई है। तुसी आम लोकां नूं पंजाबी कित्थों लागू करा दोगे? ये आ जी पंजाब दा मान, पंजाबीयत दा मान, भगवंत मान जिहड़ी मां बोली दे सिर दे उत्ते तू दुनिया दे राज कीता, दुनिया ते अपने कलाकारी दा झंडा कढ़िया, पंजाबी मां बोली दे सिर ते कढ़िया, ते अज सब तो वड्डा मैं कहूंगा दुश्मन पंजाबी मां बोली दा तू बनिया होया। दस मैनूं तुसीं हुण तक पंजाबी लई की कीता? अज मैं कहना तेरे नाल पिछलियां सरकारां चंगियां सी, घट्टो घट्ट कोई चिट्ठी पत्र तां पंजाबी च जारी करदे सी, तूं तां उह वी सारा कुछ अंग्रेजी जारी करदा, जां फिर तैनूं तेरी पुछ गिछी कोई नहीं, तेरे दस्तखत भी तेरे जिहड़े मूहरे रखे हुए बंदे उही आप मार दिंदे, तेरे वाली मोहर भी उही आप ला लैंदे आ। क्योंकि इक तां गल साफ आ ना कि जिहड़े सारे फरमान है तेरे, जिहड़ा ब्यूरोक्रैट बैठा पंजाब च, अफसर शाही बैठी आ, सारे दिल्ली तों हुक्म लैंदे आ। तू ट्वीट भी हिंदी च करदा, आ तेरे सामने स्टालिन खड़ा है, हिंदी भी बोल सकदा सीगा, तेरे नाल खड़ा स्टालिन तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, मैं वीडियो सुनाई है, हिंदी भी बोल सकता सी, अंग्रेजी भी बोल सकता सी तेरे वांगू, जिवें तू लग जाना जाके हिंदी बोलना, ट्वीट हिंदी च कर दिना है, पर नहीं, उन्हें अपनी मां बोली नूं पहल दित्ती है। सलाम है इस योधे नूं, सलाम है उन्हां सारे दक्षण दे लोकां नूं जिहड़े अपनी बोली तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम बचाउण लई जद्दोजहद कर रहे, लड़ रहे सेंटर दे नाल। जिहड़ा सेंटर नवी सिक्ख्या नीति लेके आया बड़ी खतरनाक है भरावो, पंजाबीओ सुन लो, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विचों पंजाबी लाजमी विषय दे तौर ते जिहड़ी पढ़ाई जांदी सी उहनूं खत्म कर दित्ता गया। जिहड़े उहदे अधीन आउंदे 202 कालज है उहनां दे विचों भी पंजाबी नूं खत्म करन दीआं स्कीमां हो रहीआं ने। इह जिहड़ी नवी सिक्ख्या नीति 2020 लैके आई है ना सेंटर केंद्र दी बीजेपी आरएसएस दीआं नीतियां जिहड़ियां लैके आई है, यह सारे मुल्क नूं एक रंग एक धर्म एक बोली च रंगणियां जिहड़े चालां चलियां जा रहियां ने। किवें इन्हां ने मुगल काल दा इतिहास खत्म कीता? आपां मैं पहलां वी तुहानूं दस्सिया जदों मुगल काल दा इतिहास खत्म करता पंजाब दे किताबां दे विचों तां सिख इतिहास तां आप ही खत्म हो गया। गुरु नानक देव जी दा पंजा पैंदा बाबर दे नाल, छेवें पातशाही दा पंजा पैंदा जहांगीर नाल, दसवें पातशाही दा नौवें पातशाही दा पंजा पैंदा औरंगजेब दे नाल। जो ओ खत्म हो गए तो फिर साड़ी गल साड़ी कहानी कित्थे आउणी है? सो इस करके बड़ी खतरनाक नीति है
जिहड़ी आरएसएस बैठी दिल्ली स्कीमां घड़दी है ते लागू कर रही है ते उह पंजाब यूनिवर्सिटी बैठे जिहड़े दोगले दल्ले बंदे ने जिहड़े दलाल ने जिहड़े पहले दिन तो पंजाब ते पंजाबी विरोधी ने उहनां दे विचों कई इस तरह दीआं हैगीआं जिहनां दे लातका कोई मैडम है कोई एक हैगी आ अंजना जिहड़े जिन्हें बड़ा पिछले 2024 दे वेले बड़ा पंजाब दे विचों पैसा इकट्ठा कीता उहने सो ओ भवंसिया तेरी तां ओह गल होई खड़ी है गली बाती मैं वड्डी करतूती वड्डी जठाणी ओह तेरे कोल तां गल है सुनाई जांदा लोकां नूं कड़ा बना बना चुटकले बना बना छड्डी जांदा करना कख है नहीं। सो भरावो यह मसले जिहड़े हैगे आ बड़े खतरनाक ने। मैं तैनूं मानना इस करके कहना मान साहब फिर तुसीं कहिंदे आ मुख्यमंत्री दा सत्कार नहीं करदे सत्कार करदे आ मान साहब तुहानूं इक गल कहिंदे आ इन्ना इन्ना हाथ ठोका ना बन यार इन्ना धक्का इन्ना फरेब इन्ना धोखा ना पंजाब ना कर पहला तुसी ओ पंजाब दे लोगों कन्न खोल के सुन लो तुसी भगत बने उन्ने टक्करां मारी नूं कंधां च बिना गल तों इन्हां ने मगर लग के पहला इन्हां ने जदों पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दीआं चोणां होईआं वोटां पईआं हरियाणे दा मुंडा लिया के केजरीवाल ने अपना बंदा शिंगारिया उन्हां दे संगठन दा नां वी सीगा कोई सातर पता नहीं संगठन समिति इस करके कोई ना सीगा जिहड़ी उन्होंने जथेबंदी बनाई सी हरियाणे का मुंडा लिया के पंजाब यूनिवर्सिटी के विच उन्हूं प्रधान बनाया इस आम आदमी पार्टी के सारे दिल्ली वाले ने पंजाब वाले ने जोर ला के उन्हूं प्रधान बनाया सी पंजाब चंडीगढ़ के विच ते उन्होंने जितने तो बाद पता की लिखा सी पोस्टां पता की पाईआं सीगीआं सोशल मीडिया से कि हरियाणे वाले ने पंजाब यूनिवर्सिटी के उत्ते कब्जा कर लिया ये यूनिवर्सिटी कोई साडे साडी जमीन साडे पिंड ढाके दा बनी बनी है ये साडी सरमाया जां पैसे नाल बनी यूनिवर्सिटी नहीं साडा इतिहासक धरोहर है साडे खून नाल बनी यूनिवर्सिटी है पंजाबियां दे जिहड़ी गल तुसीं जिहड़ी मान साहब तुसीं अज जिहड़ा धोखा कर रहे हो पंजाब दे नाल पहलां ओह लिया के बिठाया यूनिवर्सिटी दे विच हुण तुसीं जदों नवीं सिक्ख्या नीति लागू कर रहे सेंटर बीजेपी आरएसएस मिलके जिहड़ी बड़ी खतरनाक आ साडा सारियां जिहड़ियां कौमां दा वख-वख कौमां दा इत्थे इह देश है सभ्यतावां दा बोलियां दा देश है उह सारियां सभ्यतावां नूं खतम कर देना चाहुंदे आ सारियां बोलियां मार देनियां चाहुंदे आ सारे विरसे खत्म कर देना चाहुंदे आ सारे रीति रिवाज खत्म कर देना चाहुंदे आ उह चाहुंदे इक्को ही रंग दे विच रंग देना है ते तुसीं उस नीति ते चल के अज फिर तुसीं जिहड़ा कदम चक्कण जा रहे हो तुहाडी मीटिंग हरियाणे दे मुख्यमंत्री नाल होई आ अज उस मीटिंग दे विच तुसीं इह फैसला कीता ठीक है लोगों तों ओला रख रहा तू इत्थे बठिंडे आके पानी का समझौता कर गया 1250 क्यूसक पानी वह हनुमान बैनीपाल नूं दे के मन गया इत्थे कि असीं रास्ता नूं पानी देवांगे जिहड़ी अनअफिशियली मीटिंग सीगी तू कल्ला कल्ला आया कोई होर ना सिंचाई मंत्री आया ना कोई होर अधिकारी आया तू कल्ले नूं हीरो बनाउण दी खातर तुसीं पानियां का समझौता भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਚ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ 1250 ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲਾ ਧੱਕਾ ਅਗਲਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ 1995 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ अपनी यूनिवर्सिटी बना चुके उहदा कोई दावा नहीं कोई कलेम नहीं ये यूनिवर्सिटी पंजाब दी है सिर्फ पंजाब दी उहनू जान बुझ के केजरीवाल दे कहण दे उत्ते जो हुक्म इहनू दिल्लीओं आउंदा है उहदे फुल चढ़ाउण दी खातर यह हरियाणे नू विच वाड़ रहे आ दुबारा फिर यूनिवर्सिटी उत्ते काबज करा रहे अज मीटिंग दे विच इहनां ने फैसला कर लिया आने वाले दिनों दे विच लागू कर देणगे कि हरियाणा ते पंजाब दोने रल के पंजाब यूनिवर्सिटी नू चलाउणगे ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਨਾ ਕਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਐਡਾ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਪੂਵਰਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੂਕਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਾ ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਕੰਨਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ 1250 ਕਿਉਂਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ
बोली नूं मारन दी गल आई, पंजाबी बोली नूं लाजमी विषय दे तौर ते हटाया गया यूनिवर्सिटी दे विच्चों, 200 कालज दे विच्चों कढ़न दीआं तैयारियां हो गईआं। उत्थे इन्हां दे मंत्री दा बयान, किसे सिख्या मंत्री दा बयान, किसे मुख्यमंत्री दा बयान, कोई विरोध जताया इन्हां ने? वड्डी दुख दी गल आ जिहड़े पंजाब दे सैनेट मैंबर आ, मैं तुहानूं पुछणा चाहुंदा जो थल्यों सारी यह नीति तैयार होके आई है, खरड़ा तैयार होया, सारी रिपोर्ट तैयार हुई है, तुसी कदे सुते पए सी बई कि कल्ले सैनेट मैंबर बनना चाहुंदे हुंदे हो? कदे दा पंजाब दे हक च खड़ जा करो, कदे दा पंजाब दे हक च बोलो। मसा मैं कहना 5-7 बंदे जिहड़े बोलदे आ, घट्टो घट 25-26 बंदे पंजाब दे सैनेट मैंबर ने जिहड़े आउण वाले दिनां च मीटिंग होनी आ। तुहानूं अपील करदा, चेतावनी भी दिंदा वी तुहानूं घेरांगे कि उत्थे रौला पाओ कि तुसीं पंजाब दा लगातार हक मार रहे हो। लगातार हिमाचल दे बंदे लिया के भर्ती करी जाने यूनिवर्सिटी दे विच, 86 पोस्टां जिहड़ियां हुण निकलियां होईयां ने प्रोफेसरां दीआं ते होर, उन्हां पोस्टां दे उत्ते भी हिमाचल दे बंदे लिया के तुसीं बिठाओगे, याद रखियो। नॉन पंजाबी बंदे, गैर पंजाबी बंदे लिया के बिठाओगे। उत्थे हक पंजाब दा पंजाब दे लोकां नूं क्यों नहीं मिल रहा? उत्थे भगवंत सिंह मान क्यों चुप आ? सो इस करके पंजाब दे लोको, तुहानूं हथ बन्ह के अपील करदा, यह धोखा यह धक्का हो रहा साडी बोली दे उत्ते। भरावो रोज हमले हुंदे आ, आ देख लो चंडीगढ़ ते दिल्ली दे विच्चों जिहड़ा आकाशवाणी दे उत्ते खबरां पढ़ियां जांदियां सी, पंजाबी बुलेटिन पढ़िया जांदा सी, उह चकता। आ स्कूलां जाके देख लो, मैं पिंडां च जांदा, 10वीं 10वीं च पढ़दे जवाकां नूं पिंडां दे नां नहीं पंजाबी च लिखणे आउंदे। वह सानू मारिया जा रहा, वह मारिया जा रहा, वह अकल नूं हथ मारो, पैरा दो इस गल दे उत्ते, खड़ जाओ अपने जवाकां दे मगर, स्कूलां जाओ। वह स्कूलां च पंजाबी नहीं पढ़ाउंदे, वह पहाड़े दा चाकी उत्ते एक दूनी दो दूनी चार एक तिया दो तिया छे खत्म ही करते पहाड़े तां। एक अदूआ खत्म करता, किसे जवाक नूं पुछ लो, आखो मैं टेबल जाणदा जी, पहाड़े दा मैनूं पता नहीं जी। एक अदूआ पुछ लो, कोई 99 89 नहीं पता, कोई बिंदियां टिप्पियां बिहारियां शहरियां नहीं, वह पता साड़ी जड़ बढ़ी जा रही है। ओए मैं बहुत चिर दा कल्पदा फिरदा, सोडी बोली मर गई, सोडी होंद ने खत्म हो जाना, सोडे वजूद ने मर जाना दुनिया तो, सोडी सभ्यता ने मर जाना, सोडी पछाण ने मर जाना, सोडे धार्मिक फलसफे ने मर जाना। यही कल्प का हमला कर रहे सोडी बोली के उत्ते। चुप आ, कोई बोलन नूं तैयार नहीं, कोई लड़न नूं तैयार नहीं। का मुंडा लिखता धीरा, कहना भाई बठिंडे डिप्टी कलैक्टर नहरी विभाग का बिहारी, वह सारे इन्होंने, मैं कल पिट के आया बिजली बोर्ड च किन्ने बंदे लिया के रखे इन्होंने बहरले, आ ललतों रायकोट जाके स्टेशनों से पता कर लो, 6-6 बंदे रखे, 6 चो 4-4 बहरले, 2 ही पंजाबी है। वह साडे पंजाबी मुंडे कुड़ियां पटियाले धरना लाई बैठे, इन्ने मीह चट 9 दिन हो गए बैठे, उत्तों मीह वरदा, लाइट कटती उन्होंने, नाले उधर गुरुद्वारे आउंदा सीगा लंगर दुख निवारण तों उत्थों रोकता, ते डिप्टी आके धमकाउंदा उत्थे पटियाले, कहिंदा हुण डांग ना उठाऊ। आही भगवंत कहिंदा सी साडे राज धरना नहीं लगना, कोई कुड़ी कुड़ी टैंकियां दे नहीं बैठूगी, मुंडा सड़कां दे नहीं बैठूगा। वह नौकरी मंगदे, रुजगार मंगदे है, एलिजीबल ने हैगे है, योग्यता उन्हां कोले है, डिग्रियां उन्हां कोले है। सो ड्रामे बंद कर, पांसा बंद कर ड्रामे, समझ दे लोग तेरी कहानी नूं, ड्रामे नूं समझदे आ, जां मैनूं गलत साबित करो जे मैं गलत, जां बिना गल बिना तथ्यों तो मैं बोली जाना, जां मैं ऊंई थोड़े इल्जाम लाउना। तुसीं रोज कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई फरेब पंजाब नाल कमाउंदे हो, क्योंकि दिल्ली का जोर लग्या होया, केजरीवाल का जोर लग्या भी पंजाब नूं सीढ़ी बना के, पंजाब नूं पौड़ियां बना के, पंजाब नूं वरत के, पंजाब का पैसा वरत के, पंजाब के हित हक बेच के, चाहे वह पानिया के होण, बोलिया के होण, राजधानी के होण, यूनिवर्सिटी के होण, सारिया नूं बेच के मैं किवें ना किवें देश का प्रधानमंत्री बनना, तो तैनू वह मोहरा बनाई फिरदे आ। जे नहीं तेरी सुनवाई, आके अपने लोगों से गल रख, पंजाबियों से गल रख कि मैनू, मेरा धक्का हुंदा, मेरी कोई सुनवाई नहीं, पर तैनू आया मैनू, मैं 4 साल मुख्यमंत्री होर बन जा, रिकॉर्ड इतिहास च अपना दर्ज करा जा। वह बथेरे आए कि मुख्यमंत्री को पुछता है, चंगा कर जा, आने वाली नस्लां भी तैनू याद करनगियां। सो पंजाब दे लोको, इन्हां तों कोई उम्मीद ना बई रखो। सो तुहानू हथ बन के अपील है, बोर्डा बार्डा ते लड़ भिड़ के ठीक करा लांगे, यूनिवर्सिटी भी नहीं कितें जाण दिंदे लड़ांगे यार, पर सोनू अपील आ बई, कला कला बंदा मेरा भरा मेरी भैण, अपने जवाकां दे स्कूलां च पता करो यार जाके।
ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਦੂਆ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਪਹਾੜੇ ਸੁਣਾਓ, ਪਹਾੜੇ ਲਿਖਾਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜੋਗਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੱਗਣ ਜੋਗਰੇ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਭਰਾਵਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੇ ਨਾਂ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਬਾਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਪੁੱਤ ਛੇਤੀ ਕਰ, 12 ਕਰ ਲਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਵਾਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਐ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਵਾਕ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਵੇਸ, ਉਹ ਜਵਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ UPSC ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਓਏ ਉਹ 50 UPSC ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਏ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਭਈਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਉੱਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਮਾਚ ਗਈਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਾ ਬੋਲੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਈ। 1000 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਰਣਾਂ ਨੇ, 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲੱਖ ਯੋਧੇ ਲੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੜੇ ਝੱਖੜਾਂ ਝੋਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਅਪੀਲ ਆ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਵੰਤਮਾਨ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਹਿਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਦਾਮਾ ਭਾਂਸਿਆਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟਵੀਟ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸਟਾਲਿਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਆਪਣੀ ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਛ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਛ, ਅਕਲ ਲੈ ਲਓ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਅਪੀਲ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਆਓ ਚਕੰਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂੰਝੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਵੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਭਰਾਵੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਲਓ, ਬੇੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ।